नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सफ़ेद दाग के बारे में बताऊंगा। इसको ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो भी कहते हैं। सफ़ेद दाग क्यों होता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, क्या क्या इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके कारण क्या है, सभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ल्यूकोडर्मा, इसको हम सफ़ेद दाग भी कहते हैं या इसको विटिलिगो भी कहा जाता है। यह एक स्किन डिसीज़ है, त्वचा संबंधित बीमारी है, जिसमें कि जो हमारी नॉर्मल त्वचा रहती है, जो नॉर्मल स्किन रहती है, उसमें वाइट पैचेस बनने लग जाते हैं, सफ़ेद दाग बनने लग जाते हैं। क्यों बनते हैं? तो एक मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है हमारी स्किन में, जो कि हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। इसको हम मेलेनिन पिगमेंट कहते हैं। तो इस मेलेनिन पिगमेंट की कमी के कारण ही सफ़ेद दाग की समस्या होती है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन काली पड़ जाती है। तो वह काली इसलिए पड़ती है क्योंकि वहाँ पर मेलेनिन पिगमेंट इकट्ठा हो जाता है, जो कि सूरज की रोशनी से हमें बचाता है, उसकी अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है। तो कभी कोई ऐसी कंडीशन बनती है जिसके कारण यह मेलेनिन नाम का पिगमेंट कम होने लगता है या फिर बिल्कुल ही बनना बंद हो जाता है, तो उस व्यक्ति की स्किन जो होती है, त्वचा जो होती है, वह सफ़ेद कलर की हो जाती है, उसमें वाइट पैचेस बनने लग जाते हैं, सफ़ेद दाग बनने लग जाते हैं। इसके कारणों की बात करें तो इसका कारण अननाउन है, अभी तक इसका कारण पता नहीं चला है। लेकिन कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी सेल्स ही आपकी सेल्स को मारने लगती है। आपकी इम्यून सिस्टम जो है आपका, वह ही आपकी सेल्स को मारने लगता है, और उसके कारण ही बॉडी में दो सेल्स आपस में लड़ने लगती है, और यह जो मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है, यह धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है और वहाँ पर वाइट पैचेस बनने लग जाते हैं। जिन भी व्यक्तियों को ल्यूकोडर्मा की, सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम रहती है, उनको सन से एलर्जी या स्किन एलर्जी हो सकती है, या कुछ लोगों को नहीं भी होती है। यह जो मेलेनिन नाम का पिगमेंट है, यह सूरज से बचाता है, उसकी अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। कुछ लीवर डिसीज़ के कारण भी यह समस्या हो सकती है। कई पेशेंट्स में देखने में आया है कि जैसे कि लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर के पेशेंट में भी मेलेनिन की कमी के कारण यह ल्यूकोडर्मा हो सकता है। दोस्तों, सफ़ेद दाग अक्सर हाथों की स्किन पे, किसी के हाथों में, किसी को होंठ के आसपास, किसी को आईज के आसपास, किसी को पैरों में, या फिर किसी को पूरी बॉडी में भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन सी वह होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका हमें इस्तेमाल करना है और हमारे सफ़ेद दाग को हमें ठीक करना है। इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की हम बात करते हैं तो सबसे पहली दवाई है और सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी दवाई है होम्योपैथी में, आर्स सल्फ फ्लेवम। यहाँ पर हम इसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पर, दिन में 3 बार इसको लेना है, बोतल से दो दो बूंद डायरेक्टली जीबान पर हमें लेना है। आर्स सल्फ फ्लेवम 30 पोटेंसी में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको ल्यूकोडर्मा के साथ में, सफ़ेद दाग के साथ में हल्की हल्की सी स्किन में इचिंग होती है, खुजली की समस्या होती है, तो यह दवाई आपके सफ़ेद दाग को ठीक कर देगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर स्किन में इचिंग नहीं भी हो तो भी आप इस दवाई को लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों, एमी विस्नेगा। यहाँ पर इस एमी विस्नेगा मेडिसिन के मदर टिंचर को लेना है। अगर किसी भी प्रकार के सफ़ेद दाग हो जाते हैं, छोटे छोटे पैचेस या फिर पूरी बॉडी पे सफ़ेद दाग हो जाते हैं, तो एमी विस्नेगा के मदर टिंचर को 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पीना है। लगातार इसके प्रयोग से आर्स सल्फ फ्लेवम के साथ में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैल्केरिया फ्लोर। कैल्केरिया फ्लोर को हमें बायोकेमिक के तौर पे लेना है, 6x पोटेंसी में, टेबलेट फॉर्म में आता है, 4 से 5 गोलियां दिन में 3 बार चूसना है। लगातार इसके प्रयोग से आपके सफ़ेद दाग की समस्या ठीक हो जाएगी। अब आइए दोस्तों, हमने बात कर ली खाने वाली दवा की, अब लगाने वाली दवा के बारे में बात करते हैं कि कौन सी दवा हमें लगानी है। तो एक बाउची ऑयल आता है, बाउची ऑयल नाम से मदर टिंचर ऑयल आता है, जो कि सफ़ेद दाग पर, जहां पर भी बॉडी पर पैचेस बन रहे हैं, वहां पर इस ऑयल को लगाना है। इसके ही साथ में आपको
एमी विस्नेगा की क्रीम भी इस्तेमाल करनी है। ऑयल को आप सुबह लगा सकते हैं नहाने के बाद में, और एमी विस्नेगा क्रीम को रात को लगाकर छोड़ दे और सुबह धो ले। लगातार इसके प्रयोग से आपके सफ़ेद दाग की समस्या ठीक होने लगेगी। दोस्तों अगर छोटे दाग है या बहुत कम फैला है या फिर कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स पे ही है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पूरी बॉडी में सफ़ेद दाग की समस्या हो गई है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इसको ठीक होने में टाइम लगेगा, लगभग 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप ये मेडिसिंस लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी सफ़ेद दाग की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बगल में बेल आइकन दिया है उसको भी दबाइए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अगर किसी को ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम है तो वह ठीक हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।